नमस्कार, आज के नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने विधायक कृष्णा खोपड़े के साथ पूर्व नागपुर के महत्वपूर्ण प्रकल्पों का दौरा कर निरीक्षण किया। इस दौरे में उन्होंने पार्डी में बनने जा रहे वातानुकूलित मार्केट की जगह दर्शन कॉलोनी नंदनवन स्थित वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया जा रहा विरंगुला केंद्र, हसनबाग के सीमेंट रोड तथा लकड़गंज जोन फायर स्टेशन के निकटवर्ती स्थान का निरीक्षण किया। विधायक कृष्णा खोपड़े ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पहल पर पार्डी भंडारा रोड में वातानुकूलित मार्केट का निर्माण के माध्यम से होने जा रहा है। इसका डिजाइन तैयार किया गया है, जल्द ही इसके काम की शुरुआत होगी। इसके पूर्व आयुक्त राधाकृष्णन बी ने इसकी जगह का निरीक्षण किया। पूर्व नागपुर के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में इस प्रकल्प का समावेश है। दर्शन कॉलोनी नंदनवन में ज्येष्ठ नागरिकों के लिए विरंगुला केंद्र का निर्माण कार्य जारी है, बहुत जल्द इसका लोकार्पण किया जाएगा। पूर्व नागपुर में इस प्रकार का ये पहला प्रोजेक्ट है। साथ ही उन्होंने हसनबाग सीमेंट रोड तथा लकड़गंज जोन फायर स्टेशन के निकटवर्ती स्थान का निरीक्षण किया। इस अवसर पर नगर सेवक दीपक वाड़ीभस में बंटी कुकड़े, कनिष्ठ अभियंता जीव तोड़े, भूरे भोगते, मते पडोले, विकास गबड़े, गुड्डू पांडे उपस्थित थे। अखंड डहरवाल कलार समाज बहुउद्देश्य संस्था के अध्यक्ष खेलेंद्र बिठले के नेतृत्व में समाज का प्रतिनिधिमंडल विधायक चंद्रशेखर बावनकुले से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने चंद्रशेखर बावनकुले को भवन विस्तार हेतु निधि उपलब्ध कराने के लिए निवेदन दिया। बावनकुले ने शीघ्र निधि उपलब्ध कराकर भवन का विस्तार करने का आश्वासन दिया। चंद्रशेखर बावनकुले के आश्वासन से डहरवाल कलार समाज में खुशी का माहौल है। इस ऐतिहासिक कार्य के लिए आश्वासित करने पर समिति के पदाधिकारियों ने बावनकुले का आभार माना। ज्ञात हो वर्ष 2018 में बावनकुले ने पालक मंत्री रहते हुए नेहरू नगर जोन के जनसंवाद कार्यक्रम में भवन विस्तार हेतु 75 लाख निधि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन व कोरोना महामारी के चलते भवन विस्तार न हो सका। अब परिस्थिति सामान्य हो चुकी है और राज्य में भाजपा की सरकार है, जिससे शीघ्र भवन विस्तार होने की संभावना है। तत्पश्चात सभी पदाधिकारियों ने कोराडी देवस्थान जाकर मां जगदम्बा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष केशव पारधी, मनोज सकरगड़े, सचिव विशाल टाले, कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर डहरवाल, सह सचिव कन्हैया पारधी, दुर्गेश मंडलेकर, रामेश्वर बिटकुरे, रमेश डहरवाल, अशोक गढ़पांडे, श्रवण डहरवाल के साथ बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारीगण उपस्थित थे। भिलगांव कामठी रोड तुलसा लॉन सभागृह में श्री कृष्ण सेवार्पण संस्थान के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूजन का आयोजन पंडित नंदकिशोर पांडे के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर आचार्य प्रवर ने कहा कि गुरु के द्वारा ही जीवन में सफलता पाना संभव है, गुरु का आश्रय ही एकमात्र रास्ता है। सभी श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा के भजन व प्रसादी का लाभ लिया। कार्यक्रम के सफलतार्थ वेदानंद मिश्रा, सुभाष कुलश्रेष्ठ, होलूलाल पटेल, सुभाष मिश्रा, देवीलाल सोनी, विनोद सिरिया, राम संजीवन, देवेंद्र राय, रीना सिरिया, मीना कुलश्रेष्ठ, रामवती साहू आदि ने प्रयास किया। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, ये उद्गार परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी के परम प्रिय शिष्य परम पूज्य मुनि श्री प्रशम सागर ने अपने उद्बोधन में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मोठे मंदिर के इंद्र भवन में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कहा। उन्होंने आगे कहा कि गुरु से ही अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं, गुरु से अच्छी दीक्षा शिक्षा प्राप्त होती है, गुरु हमेशा शिष्य का हित चाहता है, गुरु ने ही हमें दिगंबरी दीक्षा शिक्षा देकर मोक्ष मार्ग पर लगाया, गुरु के उपकार को भुलाया नहीं जा सकता, गुरु से ही ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहकर मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर मोक्ष प्राप्त करने का लक्ष्य होता है, जिसमें अनंत सुख अनंत ज्ञान अनंत दर्शन और अनंत वीर्य प्राप्त होता है। गुरु पूजन अष्ट द्रव्यों की स्थापना करते हुए प्रगति महिला मंडल ने की। पूजन में अध्यक्ष उदय जैन, मंत्री शरद ठवली, संयोजक देवेंद्र अग्रेकर, सह संयोजक जिनेन्द्र लाड, संतोष कवड़े, मुकेश गंगवाल, कमल बज, सुरेश आग्रेकर, बाहुबली लाड, एडवोकेट चैतन्य आग्रेकर, अनूप खंडाले, कुलभूषण डहाले, शशिकांत देवल सिंह, नीरज पांड्या, हीराचंद मिश्री कोटकर, बाहुबली बलसापुरे, मनीष पिंजरकर, महेंद्र सिंह वी, जितेंद्र तोरावत, प्रगति महिला मंडल, लाड़पुरा महिला मंडल और बाहर गांव से पधारे सभी अतिथिगण शामिल हुए। विनयांजलि में गृहस्थाचार्य मनोहर आग्रेकर ने कहा, सर्वश्रेष्ठ स्थान गुरु को दिया गया है। गांधीबाग मित्र परिवार की ओर से विपरीत परिस्थिति में बाबा बर्फानी दर्शन हेतु यात्रियों का जत्था नागपुर से राजेश कन्हरे के नेतृत्व में रवाना हुआ। यात्रियों का मनोबल बढ़ाने हेतु विधायक प्रवीण दटके ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर सभी का मनोबल बढ़ाया।
व भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के महामंत्री राशिद काजी ने सभी भक्तों को पुष्प देकर स्वागत किया। इस अवसर पर राजेंद्र गांधी, उमेश वारजुरकर, चेतन कन्हेरे आदि रेलवे स्टेशन पर उपस्थित थे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर एवं श्री स्वामी सेवा मंडल नागपुर के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 12 एवं 13 जुलाई 2022 को शाम 6 बजे गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक अनोखा और श्रवणीय भक्तिमय कार्यक्रम ब्रह्म स्वरूप ओमकार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विदर्भ के वरिष्ठ गायक श्याम देशपांडे, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के निदेशक डॉक्टर दीपक खिरवटकर, सहनिदेशक दीपक कुलकर्णी एवं श्री स्वामी सेवा मंडल नागपुर के अध्यक्ष अजय खुलापुरकर द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। समस्त गुरुजनों को समर्पित इस कार्यक्रम में श्री स्वामी समर्थ पर आधारित बंदिशों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें सुप्रसिद्ध गायक गायिकाओं ने सहभाग लिया। गौरी पाठारे द्वारा मारवा, भैरव तथा जौनपुरी रागों पर आधारित बंदिशों की सुमधुर प्रस्तुतियां दी गई। मंजुषा पाटिल कुलकर्णी ने भीमपलास, मालकौंस और पुरिया धनाश्री इन रागों पर आधारित बंदिशों की प्रस्तुति दी। रामदेश पांडे द्वारा श्याम कल्याण, झिंझोटी तथा भटियार इन रागों पर आधारित बंदिशों को प्रस्तुत किया गया। श्याम देश पांडे द्वारा किरवानी, परमेश्वरी तथा भैरवी इन रागों पर आधारित बंदिशों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति दी गई। ब्रह्मस्वरूप ओमकार की सभी बंदिशें नागपुर तथा विदर्भ के वरिष्ठ गायक श्याम देश पांडे के द्वारा स्वयं रचित एवं स्वयं संगीतबद्ध की गई थी। लायंस क्लब नागपुर द्वारा परमानेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत नागपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर यात्रियों की सुविधा हेतु ठंडे पानी की मशीन एक्वागार्ड के साथ लगाई गई। इस मशीन का जन लोकार्पण कार्यक्रम सीनियर डीसीएम काशीनाथ पाटिल, लायंस के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एमजेएफ श्रवण कुमार, लायंस के डिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी चेयरपर्सन मनीषा ठाकर एवं स्टेशन डायरेक्टर के एल कुसराम की उपस्थिति में वाटर कूलर के स्पॉन्सर राजेश जिंदल, कुसुम जिंदल, रमेश जसोरे, उषा जसोरे की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में सीनियर डीसीएम पाटिल ने लायंस क्लब नागपुर द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। लायंस के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्रवण कुमार ने लायंस इंटरनेशनल की वर्ष 2022 से 23 के कार्यों की जानकारी सभी सदस्यों को दी। कार्यक्रम में वाटर कूलर के स्पॉन्सर राजेश जिंदल, कुसुम जिंदल, रमेश जसोरे, उषा जसोरे, चेतन जसोरे, नीना जसोरे का सम्मान पत्र देकर एवं दुपट्टा पहनाकर सत्कार किया गया। क्लब के अध्यक्ष उमेश महतो द्वारा क्लब की गतिविधियों की जानकारी उपस्थित मान्यवरों को दी गई। कार्यक्रम में सचिव नितिन वर्मा, कोषाध्यक्ष विनीत सोंधी, पूर्व विधायक एवं लायंस क्लब के डायरेक्टर गिरीश व्यास, लॉयन अरुण कुलकर्णी, रवि तेलमासरे के साथ रेलवे के डिप्टी स्टेशन डायरेक्टर गाड़गे योगेश नारंजे बंसोड़, रेलवे के कर्मचारीगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। यात्रियों की मांग एवं सुविधा को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा मासिक सीजन टिकट धारकों को लंबी दूरी की कुल 9 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के अनारक्षित कोच में यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा मासिक सीजन टिकट की सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। नागपुर मंडल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत रेलगाड़ियों में मासिक सीजन टिकट धारक निर्धारित खंड पर अनारक्षित कोच में यात्रा कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश में जिले में सबसे दर्दनाक घटना सावनेर तहसील के नांदा परिसर में हुई। वनांदा छत्रापुर गांव के बीच बामनवाड़ी पुलिया से बहने वाले नाले का जलस्तर तथा इसके उग्र रूप से वापिक होने के बावजूद फोर व्हीलर चालक ने गाड़ी पुलिया से आगे बढ़ा दी, जिससे 6 लोग डूब गए थे। मंगलवार को हुई इस घटना में उसी दिन 3 लोगों की लाशें मिली, बुधवार को 2 और लोगों के शव मिले। इस तरह अभी तक नदी में डूबे 5 लोगों के शव मिल चुके हैं। वाहन चालक की तलाश शुरू है। बुधवार को जिन 2 लोगों के शव मिले उनमें नीमू आडनेरे दर्श नरेंद्र चौकीकर का समावेश है। यह दोनों लाशें डिरंगी तालाब में मिली। 26 मई को नांदा निवासी सुरेश ढोके की पुत्री का विवाह मुलताई निवासी मधुकर पाटिल के बेटे के साथ हुआ था। वह ढोके परिवार द्वारा समधी मधुकर पाटिल को तथा परिवार को खाना खाने के लिए आमंत्रित किया गया। वह मंगलवार को मधुकर पाटिल, पत्नी निर्मला पाटिल, बेटी रोशनी नरेंद्र चौकीकर, नाती हर्ष चौकीकर व अन्य लोग नांदा पहुँचे। स्वागत सत्कार के बाद सभी ने साथ में खाना खाया और कुछ देर बिताने के बाद लगभग दोपहर 2 बजे के दरमियान ये लोग वापस जाने की तैयारी में थे, लेकिन बारिश झमाझम होने से परिवार द्वारा रोकने का प्रयास भी किया गया और गाड़ी से सुरक्षित निकल जाने का हवाला समधी मधुकर पाटिल ने देकर वो लोग नांदा से निकल गए थे। जिले में एक और जहां बारिश और बाढ़ कहर बरपा रही है, वहीं दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते आंकड़े भी सतर्कता की ओर इशारा कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर जिले में 194 संक्रमित मिले।
इनमें सबसे अधिक 132 सिटी के हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसेस भी बढ़ गए हैं। कोरोना अब तेजी से पैर पसार रहा है। हालांकि अब तक गंभीर मरीज नहीं मिले हैं, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। अब अस्पतालों में भी भर्ती होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक मरीज मेडिकल में भर्ती है। निजी अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे के भीतर जिले में 2,267 नमूनों की जांच की गई। इनमें 194 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। फिलहाल 942 एक्टिव केसेस हैं। इनमें 919 लोग होम आइसोलेशन में उपचार करा रहे हैं। इस बीच 115 लोग कोरोना से मुक्त भी हुए। डॉक्टरों का कहना है कि बारिश की वजह से संक्रमण तेजी से फैल रहा है। होम आइसोलेशन में रहने वाले भी नियमों का पालन नहीं कर रहे, इस वजह से भी संक्रमित बढ़ रहे हैं। भले ही इस बार गंभीर स्थिति नहीं बनी है, लेकिन सतर्कता और सावधानी अब जरूरी है। धंतोली पुलिस की टीम ने दुपहिया सवार एक व्यक्ति के 12 लाख रुपए की नकदी से भरे बैग को ढूंढकर उसके मालिक के हवाले किया है। दरअसल दुपहिया से जाते समय पैसों से भरा बैग अचानक गाड़ी से नीचे गिर गया था और जिसकी शिकायत फिरियादी ने पुलिस से की थी। धंतोली पुलिस थाना अंतर्गत विशाल विजय कुमार जिंदल देशमुख मार्ग निवासी मंगलवार करीब 5:30 बजे से आसपास अपनी एक्टिवा गाड़ी से 12 लाख रुपए की नकदी एक बैग में डालकर अपनी धंतोली स्थित विजयानंद कोऑपरेटिव सोसाइटी जाने के लिए निकले थे, परंतु रास्ते में ही गाड़ी से उनकी बैग गिर गई, जिसका उन्हें बाद में पता चला। बैग गुम होने की शिकायत उन्होंने धंतोली पुलिस से की थी। पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ के साथ ही सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला, तब उन्हें एक व्यक्ति इस बैग को उठाते हुए दिखाई दिया। फुटेज के आधार पर ही पुलिस ने इस व्यक्ति की पहचान की, जिसका नाम हुड़केश्वर निवासी सुभाष सहदेव भगत था। पुलिस ने 12 लाख रुपए की नकदी व्यक्ति से हासिल कर उसे दोबारा शिकायतकर्ता के हवाले किया। नागपुर और पूरे विदर्भ में रहने वाले उत्तर भारतीयों द्वारा प्रयागराज यानी बनारस या उत्तर भारत के लिए लंबे समय से एक और यात्री ट्रेन की मांग की जा रही है। अब मध्य रेल जोन ने भी स्वीकार किया है कि वर्तमान में प्रयागराज के लिए नागपुर स्टेशन से गुजर रही ट्रेनें अपनी क्षमता से 150% से भी अधिक यात्रियों को ढो रही है। यानी एक ट्रेन में यदि एक ट्रेन की क्षमता 1000 यात्रियों की होती है, तो इनमें 1500 से अधिक यात्री सफर कर रहे हैं। कुछ ट्रेनों में तो ये प्रतिशत 160 का आंकड़ा पार कर रहा है। मध्य रेल जोन द्वारा रेलवे जोनल उपभोक्ता व सलाहकार समिति के सदस्य सतीश यादव के प्रश्न का उत्तर देते हुए इस रूट पर अतिरिक्त साप्ताहिक यात्री ट्रेन की आवश्यकता स्वीकारी है। उत्तर भारत की जाने और यहाँ से आने वाली ट्रेनों पे पैर तक रखने की जगह नहीं बचती। हाल ये रहते हैं कि एक शौचालय तक में 10 से 15 यात्री तक बैठे रहते हैं। कोच के दरवाजे वाला भाग आने जाने तक के लिए पूरी तरह से बंद हो जाता है। कई बार तो स्टॉपेज जाने पर भी कोच के दरवाजे नहीं खोले जाते, क्योंकि अंदर पैर हिलाने तक की जगह नहीं होती है। पिछले 24 घंटों में नागपुर शहर समेत जिले के ग्रामीण हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और जिले के सभी बांधों में भारी मात्रा में पानी जमा हो रहा है। 18 बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि जब तक आवश्यकता ना हो, अपने घरों से बाहर ना निकले। पिछले 24 घंटे में पानी में डूबने से 10 लोगों की मौत हो गई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में जिलाधिकारी के साथ जिले के हालात का जायजा किया। जिलाधिकारी आर विमला ने बुधवार दोपहर को इस संबंध में पत्रकार परिषद बुलाई और नागरिकों से सतर्क रहने का आह्वान किया। दोपहर को जिलाधिकारी ने जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। जिलाधिकारी ने नान बांध रामा बांध में स्लीपवे का सीधा निरीक्षण किया और अधिकारियों से संपर्क किया। इस बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिलाधिकारी से संपर्क कर जिले में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कल नांद गोमुख में हुई घटना पर दुख जताया है और लापता लोगों की तलाश के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के सभी जलाशयों और उनके नदी किनारे के गांवों में छोड़े जाने की जानकारी देने के आदेश दिए हैं। मंगलवार को दिन भर ब्रेक के बाद शाम से फिर बारिश हुई। रात भर बादल बरसते रहे। बुधवार की सुबह से लेकर दोपहर तक सिलसिला जारी रहा। मूसलाधार की वजह से अंबाजरी तालाब ओवरफ्लो हो गया है। वहीं गोरेवाड़ा तालाब लबालब हो जाने के बाद चारों दरवाजे खोले गए। कनान नदी भी पूरी उफान पर है। पुलिया के करीब तक पानी पहुंच गया है। शहर सहित जिले भर में सतत बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई बस्तियों में पानी जमा हो गया है। लोगों को आवागमन में भी दिक्कतें आ रही है। जून में तरसाने के बाद बादल जुलाई में पूरी कसर निकाल रहे हैं। रात दिन की सतत बारिश की वजह से पूरी सिटी लबालब हो गई। नालों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं खाली मैदानों प्लॉटों में भी पानी भर गया है। तेज बारिश में सड़कें तालाब बन रही है। अंबाजरी तालाब में जलस्तर बढ़ गया, इस वजह से विवेकानंद स्मारक के पास से ओवरफ्लो होने लगा है। ये पानी नाग नाले के माध्यम से बह रहा है। ओवरफ्लो देखने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। युवा वर्ग सेल्फी का लुत्फ उठा रहे हैं। बारिश की वजह से गोरेवाड़ा जलाशय भी लबालब हो गया है।
बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए महावितरण द्वारा अनेक जगहों पर अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए ओवरहेड लाइनों को अंडरग्राउंड करने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसका ठेका लेने वाले ठेकेदारों की मनमानी के कारण कार्यों में लेट लतीफी हो रही है। इतना ही नहीं, कुछ ठेकेदारों की मनमानी तो इतनी बढ़ गई है कि वे कार्य का ठेका तो लेते हैं और फिर 3-4 महीनों तक कार्य शुरू ही नहीं करते। फिर कार्य में लगने वाले सामानों की मार्केट में कॉस्ट बढ़ने का हवाला देते हुए टेंडर सरेंडर कर देते हैं। कंपनी को फिर दोबारा उसी कार्य का दूसरा टेंडर निकालने को मजबूर होना पड़ता है। एक ही कार्य के 2-3 बार टेंडर निकालने की प्रक्रिया में ही महीनों लग रहे हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि महावितरण के आला अधिकारी ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई तक नहीं करते, जिसका वह फायदा उठाते हैं। सिटी के महल जोन सहित अन्य जोन में कुछ ऐसे मामले देखने में आए हैं, जहां ठेकेदारों की मनमानी के चलते तीसरी बार टेंडर निकालने की नौबत आई है। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या उसने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों पर एक समान नीति के तहत फैसला किया है। अदालत ने कहा, अगर नीति को अंतिम रूप नहीं दिया गया तो हम आदेश जारी करेंगे। उससे 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। पीओपी की मूर्ति को लेकर नागपुर खंडपीठ में दायर एक जनहित याचिका लंबित है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुनील शुक्रे और जस्टिस गोविंद सानप के समक्ष हुई। याचिका के मुताबिक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पीओपी मूर्तियों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। हालांकि पीओपी द्वारा बनाई गई मूर्तियों और अन्य प्रदर्शनियों की बिक्री प्रतिबंधित नहीं है। पेशेवर मूर्तिकार इसका फायदा उठाकर विभिन्न धार्मिक उत्सवों में पीओपी द्वारा बनाई गई देवताओं की मूर्तियां बेचते हैं। बाद में मूर्तियों को नदियों, झीलों और कुओं में विसर्जित कर दिया जाता है। नतीजतन पानी प्रदूषित होता है। अदालत को आज सूचित किया गया कि मुंबई, सातारा और राज्य के कुछ अन्य स्थानीय प्रशासनों ने पीओपी की मूर्ति की अनुमति दी, जबकि कुछ स्थानों पर प्रशासन ने मूर्ति को अनुमति देने से इनकार कर दिया। तेज बारिश की वजह से ग्रामीण भागों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर है, इस वजह से आवागमन में दिक्कतें आ रही है। कई गांवों में सड़कें बह गई है, वही स्कूल कॉलेजों के पास भी पानी जमा हो गया है। इस संबंध में आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय को 3 केंद्रों से शिकायत मिली है। कुछ छात्र बारिश और बाढ़ के कारण परीक्षा देने समय पर नहीं पहुंच सके। अब विश्वविद्यालय ने इन छात्रों की दोबारा परीक्षा लेने के मानस व्यक्त किया है। बारिश से समूचे विदर्भ में हाहाकार की स्थिति है। इन दिनों आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा ग्रीष्म सत्र की परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा 3 सत्रों में ली जा रही है। सुबह 9:30 बजे, दोपहर 12 बजे और 3:30 बजे पेपर लिए जाते हैं। काटोल तहसील के भारसिंगी के एक कॉलेज में दोपहर के सत्र की परीक्षा में सभी छात्र शामिल नहीं हो सके। 2 छात्र बारिश की वजह से देरी से आए, जबकि 8 छात्र अनुपस्थित रहे। इस संबंध में कॉलेज की ओर से विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया गया। विश्वविद्यालय ने इन छात्रों से आवेदन मांगे हैं। इसी तरह भंडारा जिले के मोहाड़ी और वर्धा के एक सेंटर पर भी छात्रों की शिकायतें मिली। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस दक्षिण नागपुर अध्यक्ष सुखदेव वंजारी के मार्गदर्शन में एवं विजय गावंडे महासचिव के नेतृत्व में नेहरू नगर जोन के मनपा अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा गया। वार्ड 47 लवकुश नगर मानेवाड़ा क्षेत्र में गंदा पानी पीने से बच्चे बीमार हो रहे हैं तथा वयस्क नागरिक भी पेट दर्द की समस्या से परेशान है। अतः संबंधित अधिकारी पाइपलाइन की जांच कर जल्द से जल्द उसकी मरम्मत कराए, नहीं तो जोरदार आंदोलन होगा। इस आशय की चेतावनी राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने दी। इस अवसर पर रविंद्र चौधरी अध्यक्ष मानेवाड़ा शाखा, अमित पिचकाटे, नितिन बावनगड़े, राम आमटे, बाबा राव खौसे, दिनेश ढोले, लोकेश फूले, अरविंद दटके, रामचंद्र अमृतकर, प्रभाकर वंजारी, राजू माथुरकर, अंबरते, शोभा नागपुरकर, विजया ठाणेकर, शुभांगी वाड़बुथे, आकाश चिमणकर आदि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण उपस्थित थे। अरुण जोशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन हनुमान नगर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संस्था के ट्रस्टी महालक्ष्मी जोशी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रोफेसर मेधा मोहरली ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा में कितनी भी नई तकनीकों का उपयोग क्यों न किया जाए, लेकिन गुरु का स्थान कोई नहीं हासिल कर सकता। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर भावना इंगले ने किया। कार्यक्रम का प्रास्ताविक भाषण प्रोफेसर अर्चना दुरुकर ने दिया। प्रोफेसर मीना घोष ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थीगण शामिल हुए। नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेंगलोर में आयोजित हेल्दी स्ट्रीट कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप में साइकिल फॉर चेंज एंड स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज में सराहनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। नागपुर स्मार्ट सिटी की ओर से डॉक्टर के एस प्रणीता उमरेटकर ने दोनों पुरस्कार स्वीकार किए।
नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी और नागपुर स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिन्मय गोतमारे, अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीना ने नागपुर स्मार्ट सिटी की टीम की कुशल कार्यप्रणाली के बारे में प्रशंसा की है। डॉक्टर प्रणीता उमरेडकर ने इन उपलब्धियों के बारे में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर स्मार्ट सिटी के मुख्य वित्तीय अधिकारी नेहा झा, मोबिलिटी विभाग के महाप्रबंधक राजेश दुफारे, ई गवर्नेंस विभाग के महाप्रबंधक डॉक्टर शील धुले, मनपा के उपायुक्त डॉक्टर गजेंद्र महल्ले, स्मार्ट सिटी के डॉक्टर पराग अरमल, अनूप लाहोटी आदि उपस्थित थे। देश में पैदल चलने और साइकिल चलाने को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय गृह परिवहन निदेशालय और बैंगलोर स्मार्ट सिटी द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, परिवहन और विकास नीति संस्थान के साझेदारी में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।